यहाँ पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रसोई घर में कड़ाई में छिप कर बैठे करीब 5 फुट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र वर्षाने जी और सांवरा शर्मा जी द्वारा पकड़कर आश्रम में संत महात्माओं को राहत पहुँचेगी। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। चित्रकूट अखंड आश्रम की रसोई में निकला विषैला स्पेक्टिकल कोबरा सांप। कोबरा देखकर चौंके आश्रम के महंत, निकली चीख आश्रम में फैली दहशत। बुधवार की सुबह पुष्कर के चित्रकूट अखंड आश्रम में रसोई में काम करने वाली रमाबाई के लिए काफ़ी डरावनी रही, जब उन्होंने अपने रसोई घर में कढ़ाई में बैठे 5 फुट लंबे विषैले स्पेक्टिकल कोबरा सांप को देखा। तीर्थ नगरी पुष्कर में पचकुंड के नज़दीक लाहरानंद चित्रकूट अखंड आश्रम में आज साधु संतों के लिए आश्रम की रसोई में भोजन बना रही रमाबाई को जब भोजन पकाने के लिए कढ़ाई की जरूरत पड़ी तो कढ़ाई में बैठे 5 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा को देखकर उनकी चीख निकल गई और रसोई घर से निकलकर वह भागी। शोर की आवाज़ सुनकर आश्रम के महंत स्वामी श्यामानंद भी रसोई में पहुंचे, लेकिन 5 फीट लंबे विषैले कोबरा को देखकर उनके भी पसीने छूट गए और पूरे आश्रम में दहशत फैल गई। महंत ने अपने व परिवारजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी सूचना पुलिस मित्र टीम को दी। टीम ने विषैले सांप को रेस्क्यू किया और उसे जंगलों में छोड़ दिया। आवश्यक सुरक्षात्मक एवं बचाव उपकरणों से लैस पुलिस मित्र टीम की रैपिड रिस्पांस यूनिट में राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, गिरीश गिरी, अजय नाथ, मनीष कुमावत, युवराज सैनी तुरंत चित्रकूट अखंड आश्रम पहुंचे। स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी ने सांप की पहचान स्पेक्टिकल कोबरा के रूप में की, जो कि भारत में पाए जाने वाले 4 सबसे विषैली प्रजातियों में से एक है। सावधानी बरतते हुए 10 मिनट में सांप को सुरक्षित रूप से कपड़े के बैग में पकड़कर बाद में जंगलों में छोड़ दिया गया। पुलिस मित्र टीम को कॉल करने वाले महंत स्वामी श्यामानंद ने बताया कि सांप को रसोई में रखे कढ़ाई में देखकर वे चौंक गए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तुरंत जहरीले सांपों से आमजन की सुरक्षा करने वाली पुलिस मित्र टीम से संपर्क साधा। टीम प्रभारी अमित भट्ट ने कहा कि देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक होने के बावजूद स्पेक्टिकल कोबरा डरते हैं और लोगों से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बारिश में, यहाँ तक कि गर्मी में ये सांप आश्रय की तलाश में अक्सर बिलों से निकलकर नया स्थान ढूंढते हुए घनी आबादी में चले आते हैं। विषैली सांप प्रजातियों से जुड़े बचाव अभियान अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसके लिए अब अजमेर जिले में भी बचाव दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पचकुंड के नज़दीक स्थित चित्रकूट अखंड आश्रम में सुबह रसोई में खाना बनाने के दौरान जो खाना बनाने वाले हैं रमा भाई, उन्होंने कढ़ाई में बैठे हुए एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को देखा और उससे काफ़ी डर गए। आश्रम में दहशत का माहौल हो गया। आश्रम के जो महंत महाराज है स्वामी श्यामानंद जी, उनकी फ़ोन की सूचना पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रसोई घर में कढ़ाई में छिपकर बैठे करीब 5 फुट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र वर्षानी जी और सांवरा शर्मा जी द्वारा पकड़कर आश्रम में संत महात्माओं को राहत पहुंचाई गई और दहशत मुक्त किया गया। लहरानंद चित्रकूट अखंड आश्रम पचकुंड में ये रामाबाई भोजन बना रही थी, कढ़ाई में कुछ सामान लेने गई तो ये कढ़ाई में बैठा हुआ था, इसने फन उठाया तो वो चीख गई एक दार के, उधर से भागी, आवाज आई, मेरे को लगा करंट लग गया, क्या हो गया। फिर हम लोगों ने आके जब देखा तो फोन किया इनको, इनने आके इसको पकड़ करती टीम पाँच मिनट में आ गई और इसको पकड़ लिया। मेरी तरफ से, आश्रम की तरफ से धन्यवाद।